पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बसों के रात में संचालन पर रोक पर कहा कि कोहरे का असर सभी ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर पड़ रहा है, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने बसों के संचालन पर रोक लगा दी है। लेकिन रेलवे हर वर्ष की तरह कोहरे में पहले से ही सावधानियां अपनाता है, जिससे कुछ ट्रेनों को निरस्त किया जाता है, जिसके कारण रेगुलर ट्रेनों को चलाया जा सके। साथ ही इस वर्ष सभी ट्रेनों में फॉगशिप डिवाइस लगाना शुरू किया है। इससे लोको पायलट को सिग्नल की दूरी का अंदाजा मिल जाता है, जो कि एक जीपीएस डिवाइस है। इस डिवाइस के माध्यम से पता चल जाता है कि सिग्नल कितनी दूरी पे है। अगर सिग्नल नहीं दिखता है तो ट्रेन की स्पीड को कम करके चलाया जाता है, जब तक कि उनको सिग्नल दिखने ना लगे, जिसकी वजह से लगातार ट्रेनों का संचालन हो पा रहा है। रेलवे का हमेशा प्रयास रहता है कि ट्रेनें संरक्षित चले और जहां तक हो सके ट्रेन समय से चले। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रात में पेट्रोलिंग की जाती है, जिससे कि यह पता चल सके ट्रेन की पटरियां ठीक तरह से हैं, जिसका सुपरवाइजर मॉनिटरिंग करते हैं। रात में स्टेशन गेटों का औचक निरीक्षण भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ी तो सभी रेगुलर ट्रेनों को चलाया जाएगा, जिससे कि किसी भी यात्री को यात्रा करने में किसी तरह की परेशानी ना हो। रेलवे यात्रियों की मांग को वेटिंग लिस्ट के माध्यम से देखता रहता है। मांग के अनुसार अलग से ट्रेन चलाया जाता है, जो कि रेलवे की प्राथमिकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा, प्रदेश परिवहन निगम ने परसों से रात में बसों संचालन पर रोक लगा दी कोहरे को देखते हुए। ऐसे में रेलवे किस तरह से लोगों की मदद कर पाएगा? कोहरे का असर सभी जगह सभी ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर पड़ा है। रेलवे की बात करें तो रेलवे इसके लिए पहले से ही हर वर्ष की तरह कुछ सावधानियां अपनाता है, जिसमें से हम लोग जो लो ऑक्यूपेंसी की कुछ ट्रेनें रहती हैं उनको निरस्त करते हैं, जिसके कारण जो मेन रूट की रेगुलर ट्रेनें हैं वो चलाई जा सकें। और साथ ही साथ इस वर्ष हम लोगों ने पिछले कुछ समय से हम लोगों ने क्या किया है कि फॉगशिप डिवाइस लगाना शुरू किया है सभी ट्रेनों के इंजनों में। इससे रिलायबिलिटी बढ़ी है, जो लोको पायलट हैं वो उनको सिग्नल की दूरी का अंदाज़ा मिल जाता है, क्योंकि वो जीपीएस डिवाइस है फॉगशिप डिवाइस, और इस डिवाइस के माध्यम से उसको पता चल जाता है कि अब सिग्नल इतनी दूरी पर है। अगर सिग्नल की दृश्यता ठीक नहीं रहती, उसको सिग्नल नहीं दिखाई देता है, तो फिर लोको पायलट ट्रेन की स्पीड को कम करते हैं, जब तक कि उनको सिग्नल दिखने ना लगे। तो रिलायबिलिटी बढ़ने की वजह से लगातार हम ट्रेनें चला पा रहे हैं, और हमारी जो प्रमुख रेलवे का उद्देश्य है वो ये है कि ट्रेनें संरक्षित चलें और जहाँ तक संभव हो समय से चलें। इसके लिए रेलवे ने और भी कई सावधानियाँ अपनाई हुई हैं, जैसे कि सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम लोग विंटर में नाइट पेट्रोलिंग कराते हैं। हमारे जो पेट्रोलमैन हैं वो रात में सभी खंडों की पेट्रोलिंग की जाती है। नाइट में जो ट्रेन इंजन में फुटप्लेट इंस्पेक्शन होता है, जिसको ऑफिसर्स और सुपरवाइजर्स मैन करते हैं, जिससे कि वो पेट्रोलिंग के दौरान पेट्रोलिंग प्रॉपर हो रही है उसको देख सकें, प्लस जो हमारे गेट हैं लेवल क्रॉसिंग गेट्स उनकी वर्किंग प्रॉपर है उसको देख सकें। रात्रिकालीन औचक निरीक्षण भी इन चीज़ों के लिए किए जाते हैं, जिसमें स्टेशंस और गेटों का निरीक्षण किया जाता है। संरक्षा सुनिश्चित करना रेलवे की पहली प्राथमिकता है, और इसको लेकर रेलवे सतर्क है, सजग है, और लगातार हम लोग ट्रेनें यात्रियों की सुविधा के लिए चला रहे हैं। अभी हम लोगों ने आवश्यकता पड़ने पर कुछ स्पेशल ट्रेन भी एकल यात्रा के लिए चलाई थी। आने वाले समय में भी हम लोग जितनी भी रेगुलर ट्रेनें हमारी हैं वो हम चलाते रहेंगे। सर, ऐसे में देखा जाए परिवहन निगम को बसों को बंद होने से रेलवे की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, क्या अलग से भी ट्रेनें चलाई जाएंगे इसके लिए? रेलवे हमेशा जो है यात्रियों की मांग को देखता रहता है कि किस प्रकार से मांग बढ़ रही है, उसको देखने का रेलवे के पास अपना तरीका है। वेटिंग लिस्ट के माध्यम से भी देखते हैं। विंटर्स में जैसा कि मैंने बताया कि कैपेसिटी कम हो जाती है, लाइन की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं दृश्यता जो है सिग्नलों की वो प्रभावित करती है, लेकिन इसके बाद भी रेलवे अपनी सभी रेगुलर ट्रेनें जहां मांग है उसके अनुसार चला रहे हैं। रेगुलर ट्रेनें लगातार चल रही हैं, मांग के अनुसार हम लोग एडिशनल ट्रेनें भी चला रहे हैं। तो रेलवे जो यात्रियों को बेहतर यात्रा सुविधा मिल सके इसके लिए लगातार काम करती रहेगी, और यात्रियों की यात्रा संरक्षित हो, सुरक्षित हो, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी।